केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपयों की लागत से बना पीएनबी आरसीटी कुल्लू का भवन बिना उपयोग ही खंडर बन चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के द्वार खोलने के लिए पतली कुल के पास पीएनबी आरसीटी ने भव्य इमारत बनाई है। हालांकि अभी तक इस भवन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इससे पूर्व ही भवन के खस्ता हाल हो चुके हैं। भवन के ऊपर घास व पेड़ पौधे उग चुके हैं। ये भवन ऐसा लग रहा है मानो कई वर्षों से इस भवन की कोई देखरेख नहीं कर रहा है। हैरानी की बात है कि पीएनबी आरसीटी अपना भवन पतली कुल में होने के बावजूद भी किराए के भवन में कुल्लू में रह रहे हैं। कई वर्षों से उनका कहना है कि यह भवन पूर्ण नहीं हो रहा है। अब भवन में लगे खिड़की एवं दरवाजे भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। रख रखाव के अभाव में भवन का सामान भी चोरी हो चुका है। कई दिन पूर्व इस भवन में बिजली की तारों को भी चोर उड़ा ले गए। इसे विभाग की लापरवाही कहे या फिर उदासीनता, सनद रहे कि इस पतली कुल में बने इस भवन में ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रशिक्षण व अन्य कार्य करने के लिए बनाया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए का बजट आया था। इसमें से विभाग द्वारा इस भवन को बनाने के लिए HCL कंपनी को टेंडर दे दिया और भवन बनकर तैयार भी हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हैरानी की बात है कि इस करोड़ों रुपए की लागत से बने भवन में जाने को आखिर आरसीटी के अधिकारी तैयार क्यों नहीं है। ऐसे में सरकारी धन का यहाँ पर जमकर प्रयोग किया जा रहा है, किराएदार बनकर बैठे हैं। आरसीटी करोड़ों की लागत से बनी आलिशान इमारतों के बावजूद भी पीएनबी आरसीटी जिला मुख्यालय कुल्लू में किराए के मकान में चल रहा है, जहां प्रति माह 19,000 रुपए किराए पर यह कार्यालय चल रहा है और ग्रामीण बेरोजगारों को प्रशिक्षित करने के लिए यहां जगह भी पर्याप्त नहीं है। जिस भवन में मौजूदा समय में आरसीटी का कार्यालय चल रहा है, वहां पर मकान मालिक भी इन्हें खाली करने के लिए दो बार नोटिस थमा चुके हैं, लेकिन हर बार इनका यही रटा रटाया जवाब आता है कि अभी तक भवन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। आखिर इतने वर्षों में अगर भवन पूरा नहीं बना तो फिर कब ये भवन बनकर तैयार होगा? इसका जवाब ना तो पीएनबी आरसीटी के पास है और ना ही किसी अन्य अधिकारी के पास। इसके मामले को लेकर मकान मालिक दो बार उपायुक्त कुल्लू से भी मिल चुके हैं और अपनी व्यथा उन्हें सुना चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। पतली कुल के पास बने पीएनबी आरसीटी के इस भवन में जिन बेरोजगारों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनके लिए यहाँ रहने की व्यवस्था भी होगी। जितने दिन भी ये प्रशिक्षण शिविर लगेगा, उतने ही दिन यहाँ ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस भवन के शुरू न होने से प्रशिक्षुओं को यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। अधिकारियों को नहीं पता कब यह शुरू होगा। मुझे मालूम नहीं है कि यह भवन कब से बन रहा है। इसमें HCL कंपनी को टेंडर दिया गया था और अभी तक भवन का निर्माण चल रहा है। हम भवन के निर्माण की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को समय समय पर देते हैं। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।